तो दोस्तों आज का मैच नंबर 19 जो कि खेला जाएगा दबंग दिल्ली एंड बंगलुरु के बीच, जो कि बेंगलुरु के शेरटन गार्डन व्हाइटफील्ड के स्टेडियम में खेला जाएगा। एंड आज के मैच की हम दोनों मैचों की प्रिडिक्शन करने वाले हैं एंड स्टार्टिंग सेवन बताने वाला कि कौन सी टीम कैसी चलेंगी आज के मैच में और कौन सी टीम ने पिछले मैच में कैसे प्रदर्शन किया। तो दोस्तों इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहना बिना स्किप किए एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को भी लाइक कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम दबंग दिल्ली की। तो यहाँ पर दबंग दिल्ली ने अपने पिछले 3 मैच में 2 मैच में जीत हासिल की है एंड एक मैच जो कि पिछला मैच यू मुंबा के खिलाफ टाई हुआ था इनका मैच। एंड अब बात कर लेते हैं बंगलुरु की। तो बंगलुरु ने 3 मैच में 2 मैच में जीत हासिल की एंड एक मैच हार गई, वो भी बेंगलुरु बुल्स के खिलाफ 1 पॉइंट से। तो दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल दोनों टीमें काफ़ी तगड़ी है एंड पिछले फाइनल सीजन 7 का फाइनल भी इनके बीच खेला गया था। तो यहाँ पर दबंग दिल्ली अपना बदला लेने के लिए उतरेंगी टीम मैट पर। एंड अब बात कर लेते हैं हम टीम की स्टार्टिंग 7 की। तो दोस्तों टीम की स्टार्टिंग 7 दबंग दिल्ली की कुछ इस प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पर हमें दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग 7 में नवीन कुमार जो कि रेडर के रूप में दिखाई दे सकते हैं एंड जीवा कुमार दिखाई देंगे डिफेंडर के रूप में एंड मंजी चिल्लर हो गए, विजय हो गए, अजय ठाकुर हो गए, संदीप नरवाल हो गए एंड जोगिंदर नरवाल हो गए। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको दबंग दिल्ली के स्टार्टिंग 7 किस प्रकार से अच्छी लग रही है या थोड़ी सी कुछ कमजोरी है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अब बात कर लेते हैं हम बंगलुरु की स्टार्टिंग 7 के बारे में। तो यहाँ पर बंगलुरु की स्टार्टिंग 7 कुछ इस प्रकार से हो सकती है। मनिंदर सिंह जो कि रेडर के रूप में दिखाई देंगे, दर्शन जय डिफेंडर, प्रवीण सतवाल डिफेंडर, मोहम्मद अभिबक्स ऑलराउंडर, सुकेश हेगड़े रेडर, अबुजर मिंगानी डिफेंडर, टिंकू नरवाल डिफेंडर, ये हो सकती है बंगलुरु की स्टार्टिंग 7 जो कि आज के मैच में हो सकती है। एंड अब बात करें हम दोनों टीमों में से कौन सी टीम का पलटा ज़्यादा भारी है, तो मुझे लग रहा है कि बंगलुरु की टीम का पलटा ज़्यादा भारी क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर है एंड काफ़ी कुछ सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतेंगी, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले प्रो कबड्डी से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।